नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और ईष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सुहागनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में चंद्र दर्शन करना अनिवार्य होता है। चलिए अब आपको करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। चतुर्थी तिथि 21 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1:18 की है। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:33 से रात 8:15 तक है। व्रत की अवधि कुल 13:42 की है। चलिए अब आपको करवा चौथ का चांद कब निकलेगा उसके बारे में बताते हैं। इस साल करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर दिखाई देगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद दिखने के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। चलिए अब आपको करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। करवा चौथ व्रत में सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद मंदिर की सफाई करें, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, करवा चौथ निर्जला व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें और आरती उतारें। अब पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। बोलो चौथ माता की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।